हेलो बच्चों, आज हम नेमिंग बर्ड्स जो जिसे नाउन बोलते हैं तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। इंग्लिश सेकंड की ये बुक है और इसमें चैप्टर नंबर 1 है नेमिंग बर्ड। तो नेमिंग बर्ड क्या होता है कि जो भी चीज़ें जिनके नेम होते हैं उनको नेमिंग बर्ड बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको सब चीज़ दिखाई दे रही है जैसे कि पिक्चर में। तो जॉन इज अ फार्मर, हॉर्स राइडर या फार्मर। ही इज स्टैंडिंग इन हिज फार्म फार्म स्टेबल। ही इज वेयरिंग शूज शूज शूज। ही स्टोरेज गेन इन फार्म रूम रूम। ही हैज काउज, ये है काउज। गोट्स एंड हैंस, डक्स हैंस इन हिज फार्म। तो यहाँ पर डक तो नहीं है, तो यहाँ पे हैंस हैं, तो हम यहाँ पे हैंस पे राइट करेंगे। ओके, तो फार्म स्टेबल आर नेम्स ऑफ प्लेस। शूज बूट्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स। काउज गोट्स आर नेम्स ऑफ एनिमल्स। डक्स हैंस आर नेम्स ऑफ एनिमल्स। हॉर्स राइडर फार्मर आर नेम्स ऑफ पर्सन्स। जैसे कि आपने देखा था अभी कि नेमिंग बर्ड्स क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है द नेम ऑफ पर्सन्स प्लेस एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड द नेमिंग बर्ड्स और नाउंस। एग्जाम्पल, पर्सन्स मीन्स वुमेन, मैन वुमेन, बॉय और गर्ल, चिल्ड्रन अंकल आंट ग्रैंडफादर, डॉक्टर एंड पायलट, प्लम्बर ईटीसी। ये हैं इतने, और इससे ज़्यादा भी होते हैं जो होते हैं। जो प्लेसेस क्या होते हैं, पार्क, आप लोग पार्क में जाते हो, वो पार्क भी नेमिंग वर्ड में ही होता है। प्लेसेस में आता है वो, बीच, हॉस्पिटल, स्कूल, शॉप, एयरपोर्ट ईटीसी। एनिमल्स, एनिमल्स देखे हैं आपने कभी, लायन ईगल हॉर्स कैटरपिलर क्रोकोडाइल फिश ईटीसी। अब थिंग्स में, नेमिंग बर्ड जो थिंग्स हैं उनके यहाँ पे थोड़े से कुछ नाम दिए हैं, लैपटॉप बस प्लेन टीवी कोट शूज स्क्रू ड्राइवर ईटीसी। ओके, देखिए अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है कि राइट द नेमिंग बर्ड्स गिवन इन द बोल्ड अंडर द करेक्ट कॉलम। तो अभी ये जो स्टोरी है इसमें से आपको पर्सन प्लेस एंड ये एनिमल्स हैं थिंग्स हैं वो सब आपको ये यहाँ ब्रैकेट में भरना है। तो वंस दे आर लिव्ड इन अ ग्रोसर, मैनी माइस लिव्ड इन हिज शॉप। तो एक बार एक ग्रोसर, जो राशन की दुकान होती है उसमें, ग्रोसर की शॉप थी, तो उसके यहाँ बहुत सारे माइस रहते थे। दे एट ग्रेन्स, तो वो उसका अनाज खा जाते थे द होल डे एंड द ग्रोसर सफर्ड हैवी लॉस। तो उसको बहुत लॉस हो रहा था। द ग्रोसर एंड हिज वाइफ वर वेरी अपसेट। वो ग्रोसर दुकानदार और उसकी वाइफ बहुत दुखी थे। देयर सन बॉट अ फैट कैट फ्रॉम द मार्केट टू कैच द माइस। तो उसका सन गया मार्केट में और वो लेके एक फैट कैट लेके आया, तो जिससे वो कैट चूहों को खा जाए। द माइस वर बरीड। अब चूहों को चिंता होने लगी
क्या किया जाए? तो दे हेल्ड अ मीटिंग टू ड्राइव अवे द कैट। तो उन्होंने, चूहों ने एक मीटिंग रखी कि कैसे कैट को भगाया जाए। अ स्मॉल माउस सैड, एक छोटे चूहे ने कहा, द कैट मूव वेरी सॉफ्टली। एक ये बिल्ली है वो बहुत अच्छे से जल्दी से भाग जाएगी। लेट्स टाई अ बेल राउंड इट्स नेक। तो उसके नेक में एक घंटी बांध देते हैं। वेन द कैट मूव्स वी विल कम टू नो। तो जैसे ही वो जाएगी तो हम जान जाएंगे। ऑल द माइस एग्रीड। तो सभी चूहों ने बोला ओके, अच्छी बात है, सभी तैयार हो गए इस बात के लिए। तो वन माउस सैड हु विल बेल द कैट। तो एक चूहे ने कहा ये घंटी कौन बांधेगा। एंड देन देयर वॉज नो रिप्लाई। और उन चूहों में से किसी ने भी नो रिप्लाई, किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। तो अभी अभी एक ब्रैकेट में देखते हैं फिर बच्चों, पर्सन्स में कौन कौन है। ग्रोसर है इसमें, ये है ग्रोसर। एंड सन, ये है सन उसका। प्लेस में क्या है, प्लेस में क्या आएगा, प्लेस में आएगा शॉप और मार्केट, ये है मार्केट। एंड एनिमल्स में कौन कौन थे, एक तो कैट थी और माइस भी है और माउस भी है। और ग्रेन में क्या है, ये थिंग्स में क्या आएगा, ग्रेन्स, ये ग्रेन्स। एंड बेल, बेल आप जानते हैं घंटी होती है जो कभी कभी आपने देखा होगा काओ के गले में घंटी लटकाते हैं जो, वो तो उसको बोलते हैं बेल इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उसको घंटी। तो बच्चों अभी आप ये पिक देखिए, इस पिक में ये आपको ये पिक दिखाई दे रहा है, ये सब बच्चे बीच पे खेल रहे हैं, बीच पे। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं उनके यहाँ नाम दिए गए हैं और हमें यहाँ फिल करने थे। तो बी ए डबल एल एस यू एन सन, सी आर ए बी क्रैब, क्रैब होता है ये जो चीज़ है, ये एक एनिमल है, इंसेक्ट, ये सी एनिमल बोलते हैं इसको। ये क्रैब होता है, ये टर्टल, ये है टर्टल, टी यू आर टी एल ई टर्टल, ये है बॉय, तो ये बॉय बी ओ बाई बॉय। और जी आई आर एल गर्ल, ये है गर्ल, ये गर्ल है। बी ई ए सी एच, तो ये बीच, ये जो पूरा नज़ारा आप देख रहे हो ये है बीच, ये जगह को बीच बोलते हैं। एस एन ए आई एल स्नेल, स्नेल आपको पता है कहाँ है, ये है स्नेल, ये है स्नेल। अब बी ओ ए टी, आपको बोट दिख रहा है कहीं, ये है बोट, ये जो चीज़ है इसको, चीज़ को बोलते हैं बोट। ये है फ्रेंड्स, एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स, तो वन टू थ्री फ्रेंड्स। फिश, एफ आई एस एच फिश, तो फिश कहाँ है इस पिक्चर में, ये है फिश। और ट्रीज, टी आर डबल ई एस, तो ट्रीज ये हैं, ये ट्रीज हैं। एंड आइसलैंड, आई एस एल ए एन डी, तो आइसलैंड आपको क्या पता है, आइसलैंड क्या होता है, आइसलैंड बीच के सेंटर में जो एक जगह होती है जिस पे हम बैठ सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो वो है ये जगह, तो इसको बोलते हैं आइसलैंड। ये है यू एम बी आर ई डबल एल ए एम्ब्रेला, तो एम्ब्रेला आपको पता है कहाँ है, ये है एम्ब्रेला। अभी आप ये रेनी सीजन में आप अम्ब्रेला यूज़ करते हो तो ये है एम्ब्रेला। और ये अभी इसमें से ये जो पिक्चर है और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनमें से हम कॉलम में से इनमें सेपरेट सेपरेट चीज़ों को रखेंगे। अभी ये है पर्सन, तो पर्सन में यहाँ कौन कौन है,
बॉय गर्ल एंड फ्रेंड, और ये है प्लेस, तो प्लेस में क्या आएगा, बीच एंड आइसलैंड। और एनिमल्स में टर्टल स्नेल एंड क्रैब, क्रैब भी आएगा। और थिंग्स में क्या आएगा, सन फिश फिश एंड ट्रीज, और अम्ब्रेला भी आएगा एंड बोट भी आएगा। ओके हाँ बच्चों, अंडरलाइन द नेमिंग बर्ड्स, ईच सेंटेंसेस हैज टू नेमिंग बर्ड्स, हैज वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपके लिए एक यहाँ पे करके बताया गया है और ये सारे आपको अपने आप से करने होते हैं। तो द कैट ड्रैंक मिल्क, तो अभी यहाँ पे नेमिंग बर्ड क्या होगा, एक तो एनिमल है और एक ये मिल्क है, तो ये कैट है और मिल्क है। माय मदर हैज़ गॉन टू ऑफिस, तो माय मदर भी नेमिंग बर्ड में आती है और ऑफिस जो कि प्लेस है वो भी नेमिंग बर्ड में आएगा। ओके, द प्लेयर्स आर इन द फील्ड, तो प्लेयर्स भी नेमिंग बर्ड में आते हैं एंड फील्ड जो प्लेस है वो भी प्लेस की जगह पे, जैसे प्लेस है तो वो भी फील्ड में होगा। वी कीप मनी इन द बैंक, तो मनी क्या होता है, एक चीज होती है थिंक, वो थिंग्स में आता है मनी, तो ये नेमिंग बर्ड है। और बैंक जो कि प्लेस होता है, और तो वो ये प्लेस है वो भी एक नेमिंग बर्ड है, तो इसलिए इन दोनों पे हम अंडरलाइन करेंगे। द प्लेन हैज़ लैंडेड एट द एयरपोर्ट, तो प्लेन क्या हुआ, थिंग्स में आएगा नेमिंग वर्ड, और ये एयरपोर्ट एज अ प्लेस, तो एयरपोर्ट क्या होता है, प्लेस होता है जहाँ पर एरोप्लेन लैंड करते हैं। तो ये एक हो गया, एक ये हो गया, दोनों नेमिंग वर्ड हो गए। अभी राइट द नेमिंग वर्ड विद द गिवन लेटर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो अभी ये जो लाइन्स हैं इन लाइन्स में से इन कॉलम में सबको सेपरेट सेपरेट देना है। तो पर्सन्स में क्या आएगा, मदर एंड प्लेयर्स ये है, प्लेसेस में ऑफिस एंड फील्ड, ऑफिस ये है और फील्ड ये है। एनिमल्स में क्या आएगा, कैट ये ख्याल लिख दिया हमने, और थिंग्स में क्या आएगा, बुक मिल्क और प्लेन। ओके बच्चों, तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे मोटिवेट कीजिए, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशन और मैं स्टडी आपको ऐसी कराती रहूँगी। और प्लीज़ 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 लाइक कीजिए बहुत, तो मुझे पता चले कि आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच बच्चों, और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती रहूँगी, आपका बहुत सारा प्यार मिलेगा। थैंक यू।